हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट एजुटेक। स्मार्ट एजुटेक में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस समय की बड़ी अपडेट ये है कि रीट का एग्ज़ाम होना था जो पोस्टपोन हो गया है। तो दोस्तों, आप सबको पता ही है कि पिछले 2 महीनों से कोरोना की जो सेकंड लहर चल रही है उसकी वजह से जो लॉकडाउन लागू हो गया है, तो शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बोला है कि 20 जून को नहीं होगी रीट की परीक्षा आयोजित, 16 लाख परीक्षार्थियों को करना पड़ेगा इंतज़ार। तो राजस्थान एजुकेशन मिनिस्टर शिक्षा मंत्री जी ने फर्स्ट इंडियन न्यूज़ के सामने ब्रीफ में कहा है कि 20 जून को नहीं होगी रीट की परीक्षा, 16 लाख परीक्षार्थियों को करना पड़ेगा इंतज़ार। और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कोरोना काल का हवाला भी दिया है कि कोरोना काल होने की वजह से अभी हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं। तो इस समय की ब्रेकिंग न्यूज़ है जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है, मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, कहा जून माह में आयोजित होने वाली रीट की परीक्षा नहीं होगी, कोरोना से लड़ना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता होगी, रीट की परीक्षा का दोबारा होगा नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, अब जो 20 जून को होने वाली थी वो परीक्षा स्थगित कर दी गई है और अब परीक्षा का दोबारा नोटिफिकेशन जारी होगा और नया शेड्यूल जारी होगा। तो उसके लिए आप जो वेबसाइट है उसके ऊपर देखते रहें। तो परीक्षा आयोजित कराने के लिए करनी पड़ सकती हैं बड़ी तैयारियाँ, क्योंकि अभी कोविड से लड़ रहे हैं तो आगे अगर कोरोना काल चल रहा है तो उसके अंदर डेट निकालना भी मुश्किल है, और अगर आगे भी निकालेंगे तो भी बहुत सावधानी पूर्वक एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। तो आयोजित कराने के लिए करनी पड़ सकती हैं बड़ी तैयारियां। इस समय परीक्षा का नहीं हो सकता है आयोजन, तो बड़ी तैयारियां करनी पड़ सकती हैं और कोरोना की वजह से इसे कुछ समय के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स।